अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हैप्पी आयशा ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। अभी मैं खड़ी हूँ फ्रेश ब्यूटी सैलून के नीचे के साइड। अब मैं जा रही हूँ पार्लर, ऊपर जाके आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, ठीक है। ये देखिए, इस बिल्डिंग के सामने कुछ ऐसा लुक था वहाँ का। ये जो अपोलो हॉस्पिटल है सालमिया ब्लॉक 10 में, ठीक उसी के पीछे के साइड में है बिल्डिंग नंबर 2। और आगे आपको ऐसे सारी बसेस की फैसिलिटी भी दिख जाएगी, आराम से टैक्सी वगैरह भी है यहाँ पे। तो चलिए अब हम जाके आगे अंदर देखते हैं सैलून जो है फर्स्ट फ्लोर पे। मैं हूँ लिफ्ट में, देखिए ऐसे कुछ लिफ्ट है यहाँ के, फ्रेश ब्यूटी सैलून इन कुवैत। चलिए देखते। एक्चुअली मैं आ जाई हूँ सालमिया ब्लॉक 10 में, हमें आपको इंडियन पार्लर दिखाना था। तो मेरे यहाँ पे देखा सालमिया ब्लॉक 10 में अपोलो जो हॉस्पिटल है उसके साइड में 2-3 सैलून है, लेकिन ये जो सैलून है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कस्टमर्स के लिए जो ये सैलून है बहुत ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग प्राइस है। आप देखते ही होगे टिकटॉक पे, मैंने भी हाँ इनकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी टिकटॉक पे। एक कुछ इनके रेट्स है, ये वेरिएबल होते हैं, एज इट इज़ तो नहीं होते। आप देखिए ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट है अंदर आने के बाद, बहुत बेहतरीन तरीके से किया है गेस्ट सर्विस है। आके आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ अंदर है। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद, सीधा अंदर फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद मैं आपको ऐसे एक पार्लर दिखेगा। ये कुछ इनका फ्रंट डोर, और यहाँ पे अलग से इन्होंने एक सेक्शन दिया है जिसके अंदर फेशियल वगैरह भी करवाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की ये अच्छी लगी, यहाँ पे इन्होंने हमें ऐसे लॉकर्स प्रोवाइड किए थे अपने कस्टमर्स के लिए, जैसे कि हम अपने आते ही पर्स जिसके अंदर कैश वगैरह कुछ भी हो तो हम आराम से इसमें रख सकते हैं। देखिए मैंने भी अपनी पर्स यहीं पर रखी थी, और इसकी चाबी जो होती है कि हम अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ के अब आने वाले में दिनों में यहाँ पर अपने सारे ट्रीटमेंट सही से करवाऊँगी। देखिए और हर एक ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे अपने कस्टमर्स के लिए अलग अलग से कंपार्टमेंट दिए हैं, मसाज के लिए, माइक्रोब्लेडिंग के लिए, आईब्रोज के लिए, वैक्सिंग के लिए, हर एक कंपार्टमेंट अलग अलग था। अब बात करते हैं हम आप इसके एड्रेस के बारे में। तो ये जो फ्रेश ब्यूटी सैलून है ये है ठीक सालमिया ब्लॉक 10 में, जैसे हम अपोलो हॉस्पिटल आते हैं तो उसके पीछे वाली सेकेंड नंबर बिल्डिंग है विच इज़ अपोजिट टू फैब लुक ब्यूटी सैलून। जैसे अपोलो हॉस्पिटल के पीछे हम पहुंचते हैं सेकेंड नंबर वाली बिल्डिंग है, आगे हमको इनका एक अच्छा सा प्यारा सा रेड कलर में बोर्ड दिखेगा जिसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया है इनका नंबर भी, फ्रेश ब्यूटी सैलून करके। बस हमें फर्स्ट फ्लोर पे आना है, आगे हमको ये सैलून नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के पैकेजेस तो इतने अच्छे हैं, मैं आपको इनसे ही बतवाती हूँ कि कितने कितने पैकेजेस हैं इनके, पेडिक्योर के, मैनिक्योर के, वैक्सिंग के, ऑलमोस्ट सारे। आप जितने भी इंडियन कस्टमर्स हो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आइए, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। ये तो अभी मेरे फ्रेंड ही बन गए, इतनी अच्छी सर्विस है यहाँ की। आप खुद बताइए सारे लोगों को कि कैसे कैसे आपके इंडियंस के लिए और सबके लिए लेस प्राइजेस है, 5 KD पैकेजेस है, कलर्स है 10 KD से स्टार्ट होते हैं, बहुत कुछ लेस प्राइजेस है और 100% रिजल्ट है। आइए विजिट करिए और खुद देखिए, खुद फ़ायदा पाइए। और पेडिक्योर में सबसे कभी कभी तो इनके रेट्स इतने कम हो जाते हैं कि हाफ एंड हाफ KD में सिर्फ पेडिक्योर मैनिक्योर प्रोवाइड करते हैं। अभी भी इनके ऑफर ही चल रहे हैं, मैंने खुद यहाँ से देखी, अभी अभी मैंने हाइड्रा फेशियल करवाया है ओनली फॉर 10 KD, कभी कभी इससे कम भी हो जाते हैं। हो सके तो प्लीज़ यहाँ पे विजिट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये सारे स्टाफ है यहाँ के, मैं तो सुबह के वक्त आई हूँ, अभी तो इनके क्लिनिक का वगैरह टाइम था, बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाते है इसलिए मैंने जल्दी आना सही समझा। माइक्रोब्लेड भी करते हैं, ओनली 10 KD में माइक्रोब्लेड है, 10 KD हाइड्रा फेशियल है,
10 KD से स्टार्ट होता है हमारा हेयर कलर एंड 3 KD से 10 KD तक फेशियल से बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं। आप आइए, खुद देख लिए और आपको खुद को पता चलेगा कि हमारा सैलून कितना लेस प्राइस है और कितना 100% रिजल्ट है। सही में सच बात बोली इन्होंने। अभी मैं खुद यहाँ का अभी तो देख रही हूँ, मेरे हेयर की हालत कुछ ऐसी है। अब मैं यहाँ पे हेयर कलरिंग करवाऊंगी और आप देखिए कि रिजल्ट कितना अच्छा होता है। ये देखिए, मैंने अपना यहाँ पे हेयर कलर करवाया है और सेम वही कलर किया है जो मैंने इनको बताया था, एग्जैक्ट वही कलर आया है बालों पे। अब ड्राई होने के बाद आप ठीक से देखिएगा, मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी इस सैलून से। और बस 10 KD में कहीं पे भी आपको इतना कम रेट नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है। और ये रहा मेरे बालों का फाइनल लुक, देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है इसका हेयर शाइन। ना ज़्यादा रेड है ना ज़्यादा ब्लैक है, मुझे बस ऐसा ही शेड चाहिए था। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी मेरे बालों को देखकर। सच मानिए, आप भी जब यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब समझ में आएगा। देखो ये सब इंडियन मिल गए मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। सब मैं आ गई हूँ से बाहर। अब जैसे कि मैं बाहर आ चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ आगे का नज़ारा कैसा है। इस बिल्डिंग के नीचे वाला आगे का थोड़ा रोड दिखाती हूँ आपको। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को हैप्पी एशियन ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लगी बसेस, कभी बस का सफ़र करूँगी तो वो भी दिखाऊँगी आपके साथ, शेयर करूँगी।